मध्य प्रदेश के कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के संचालक आशुतोष प्रताप सिंह ने दखल न्यूज अवार्ड 2021 स्मारिका का विमोचन किया। स्मारिका विमोचन के दौरान न्यूज चैनल के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय और संपादक शेफाली गुप्ता मौजूद रहीं। इस दौरान कमल पटेल ने दखल न्यूज के कार्यों की सराहना करते हुए दखल न्यूज परिवार को बधाई दी। वहीं अरविंद भदौरिया ने कहा, उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान गर्व का विषय है। दखल न्यूज के दखल प्राइड अवार्ड की यादों को संजोए दखल न्यूज स्मारिका का विमोचन कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और जनसंपर्क विभाग के संचालक आशुतोष प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर दखल के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय और संपादक शेफाली गुप्ता भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दखल न्यूज अवार्ड 2021 स्मारिका का विमोचन करते हुए कहा कि दखल न्यूज ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करने का सराहनीय कार्य किया है। समाज में जरूरी है कि अच्छे कार्य करने वालों का प्रोत्साहन हो। अच्छे लोगों का सम्मान करने से लोगों में अच्छा और समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वहीं मंत्री कमल पटेल ने दखल परिवार को बधाई देते हुए कहा कि दखल अवार्ड में पत्रकार, चिकित्सक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, सैनिक, किसान सहित सभी क्षेत्र के लोगों का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान समारोह का हिस्सा होना उनके लिए गर्व का विषय रहा। उन्होंने दखल स्मारिका को लेकर कहा कि यह स्मारिका लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनेगी। दखल न्यूज ने 2021 की स्मारिका निकाली है और मुझे खुशी है कि दखल न्यूज चैनल ने हमारे अच्छे काम करने वाले समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जिन्हें उत्कृष्ट कार्य किया है उनका सम्मान किया है और एक सम्मान समारोह में मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ था। बहुत ही गरिमामय और अच्छे काम करने वालों का सम्मान करके उनको प्रोत्साहित करने का काम करके अच्छे काम करने वालों से लोग प्रेरणा लेंगे और समाज में जब तक अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और गलत काम करने वालों को हतोत्साहित नहीं किया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा तब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और दखल न्यूज़ चैनल ने जो अच्छे काम करने वाले समाज में उनका सम्मान करके प्रोत्साहित किया, एक प्रेरणादायी कार्य किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इस स्मारिका में सारे समाज के विभिन्न क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिनने अच्छा कार्य किया उनको सम्मानित करके उनके जीवन पर एक लेख भी लिखा है, इसके अंदर उनको प्रोत्साहित किया है, उसके लिए निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य किया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्य के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने दखल परिवार को बहुत बहुत बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जनसंपर्क संचालक आशुतोष प्रताप सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता सदैव जनहित के लिए होना चाहिए। इस स्मारिका का विमोचन करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि दखल न्यूज अवार्ड कार्यक्रम अपने तरह का एक अलग कार्यक्रम था जिसमें हर क्षेत्र और हर वर्ग के लोगों का सम्मान किया जाता है। इसका हिस्सा बनकर मुझे खुशी हो रही है। इस दौरान उन्होंने दखल न्यूज परिवार को बधाई दी। आज दखल न्यूज स्मारिका का 2021 का विमोचन हुआ है। वास्तव में मैं गया था, बहुत ही अच्छा, बहुत जिसको कहते व्यवस्थित और नए प्रकार का कार्यक्रम था, इसलिए दखल न्यूज को जो स्मारिका प्रकाशित किए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ इसी प्रकार निरंतर तरक्की प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ते रहे, उन्हें हमारी शुभकामनाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।